कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कि हमारे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता है। हमने वेबसाइट बना ली है, हमने पासवर्ड को भी टफ सा रखा है और किसी के साथ शेयर भी नहीं किया है, तो हमें बैकअप बनाने की क्या ही जरूरत है। वेबसाइट मस्त चलती रहेगी। ये कॉन्फिडेंस तब तक रहता है जब तक कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती है, और उस दिन आपको पता चलता है कि काश वेबसाइट का बैकअप ले लिया होता। चाहे आप वेबसाइट के ओनर हैं, मैनेजर हैं, SEO या डेवलपर हैं, अगर आपकी वेबसाइट है काम की वेबसाइट है तो उसका एक बैकअप होना जरूरी है, और उस बैकअप को अच्छी तरीके से रिस्टोर करना आना भी बहुत जरूरी है। पिछले 13 साल से ज्यादा के सफर में क्लाइंट्स की वेबसाइट के साथ में इतने अलग अलग तरीके के हादसे देखे मैंने कि अब मैंने एक लिस्ट बना ली है जो बैकअप और रिस्टोर दोनों ही चीजों में फॉलो करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको वो लिस्ट देने जा रहा हूं ताकि आप भी अपनी वेबसाइट्स को सेफ रख सके। वेबसाइट के लिए नींबू मिर्च की तरह काम करेगी, नजर से बचाएगी, लटका के रखना जरूरी है। everyone, और आज के वीडियो में हम बैकअप और रिस्टोर दोनों प्रोसेस से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स की लिस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो ये बैकअप और रीस्टोर की लिस्ट आपके काम तभी आएगी जब आपने किसी भी तरीके का बैकअप सेटअप किया है। अगर आपने कभी अपनी वेबसाइट के लिए बैकअप सेटअप किया ही नहीं है तो ये लिस्ट आपके काम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको अपने होस्टिंग अकाउंट पर जाना चाहिए और किसी न किसी तरह का बैकअप जरूर इनेबल कर लेना चाहिए। हर एक होस्टिंग पैनल बैकअप के एक बेसिक ऑप्शन के साथ में आता है, ऑल्दो ये बहुत ही गैर भरोसेमंद ऑप्शन है, बिकॉज आप एक तरह से सिर्फ फाइल्स को सेव कर रहे हैं अपने पास, और ये फाइल्स और डेटाबेस दोनों को अलग अलग तरीके से बैकअप रखना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है, लेकिन अगर आप कोई भी और खर्च नहीं करना चाहते हैं, किसी भी दूसरे टाइप के प्लगइन के झमेले में नहीं फंसना चाहते हैं, तो कम से कम इसे तो आपको ऑन कर लेना चाहिए और इसके बाद इस प्लेलिस्ट को आपको यूज करना चाहिए। नंबर 1, चेक इंटेग्रिटी ऑफ द बैकअप। आपका बैकअप सही है भी, भरोसेमंद है भी या नहीं, उसको देखना बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे बुढ़ापे की लाठी, आपकी घुन लगा हो उसमें ऑलरेडी पहले से, अगर वो लाठी भरोसेमंद नहीं है, उसके ऊपर अपना वजन नहीं टिका सकते तो किस काम आएगी। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट के बैकअप की इंटेग्रिटी चेक करनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है कि सारी फाइल्स उसमें हैं या नहीं है, और अगर वो एक zip फाइल है तो वो zip फाइल कंप्लीटली डाउनलोडेड है, कंप्लीटली बैकअप ली गई है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई करप्शन वाला इशू हो गया हो। अगर आपने मैनुअल बैकअप लिया था cPanel के जरिए, तो आप इस बैकअप की इंडिविजुअल फाइल्स को चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद उनके साइज को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपका जो बैकअप है वो सही है, आप उसे बाद में रिस्टोर कर भी सकते हैं। अगर किसी भी तरह के आप बैकअप प्लगइन को यूज कर रहे हैं, तो हर एक स्टैंडर्ड प्लगइन में बैकअप को वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलता है जिसे आपको यूज करना चाहिए। अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप चेकसम वाले जो टूल होते हैं होस्टिंग अकाउंट्स के अंदर, उन्हें यूज करके एल्गोरिदम के जरिए अपने बैकअप की इंटेग्रिटी को चेक कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज करें, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट का सेटअप कैसा है, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि जब भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी ये बैकअप भरोसेमंद रहेगा। ये प्रोसेस आपको बार बार करनी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इसके जो रिजल्ट आते हैं किसी भी अनहोनी की सिचुएशन में वो बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बिजनेस आपकी वेबसाइट हिट नहीं होती। नंबर 2, टेक बैकअप ऑफ बैकअप। राइट, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का एक बैकअप आपने लिया है, किसी भी तरीके से लिया हुआ है, तो उसका एक और बैकअप दूसरी लोकेशन पर लेना जरूरी है। अगर आपका पहला बैकअप आपकी वेबसाइट की होस्टिंग अकाउंट पर ही है, तो उसका एक कॉपी आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में, ड्रॉप बॉक्स में, अमेजॉन S3 कहीं पर भी होना जरूरी है। आप किसी भी सर्वर को यूज करें, लेकिन सेम उसी सर्वर पर, जिस सर्वर पर आपकी वेबसाइट है, जहां पर आपका पहला बैकअप है, उसी बैकअप वाली लोकेशन पर दूसरा बैकअप बना लेना ठीक नहीं है। जब भी अगर आपके सर्वर के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका पहला बैकअप तो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट बैकअप की फाइल्स करप्ट हो जाएं, मे बी वो एक्सेसिबल ना हो, मे बी सर्वर ही कोई किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस बैकअप का एक बैकअप दूसरी लोकेशन पर रखना जरूरी है, और जो आप अपने कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड करके रखते हैं उन्हें बैकअप नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि आपकी जो अपनी पर्सनल खुद की फाइल्स हैं, ड्राइव है, वो कभी भी किसी भी टाइम फेल हो सकती है। तो लोकल वाले बैकअप को काउंट नहीं करना है, जो आपका प्राइमरी बैकअप है उस बैकअप का एक बैकअप दूसरे किसी क्लाउड स्टोरेज पर होना जरूरी है। आई कांट टेल यू कितनी टाइम ऐसा हुआ है जब सर्वर के साथ में बैकअप भी उड़ गया है, और तब ये जो बैकअप का बैकअप है वो काम आता है। मेक श्योर कि आप एक और कॉपी अपने बैकअप की बना के रखें। नंबर 3, टेस्ट रिस्टोर योर बैकअप फर्स्ट। यानी कि मान लेते हैं कि आज ही वो मनहूस दिन है जब आपको अपने बैकअप को यूज करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को रिस्टोर करना पड़ेगा बैकअप के जरिए। अच्छी बात है कि आपने बैकअप बना के रखा था, वो बैकअप यूज करने लायक भी है, उसे रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ही उसे मेन डोमेन पर इमीडिएटली रीस्टोर नहीं करना है, दैट विल बी ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे पहले एक टेस्ट डोमेन बनाना है।
इस टेस्ट डोमेन या फिर स्टेजिंग साइट, जो भी आप इसे नाम दें, इस पर सबसे पहले अपने बैकअप को रिस्टोर करना है, चेक करना है कि सब कुछ सही से चल रहा है, वेबसाइट सही है, और जब सब कुछ सही से फंक्शन करता हुआ लगे तभी मेन डोमेन पर इस बैकअप से रिस्टोर करना है। डोंट फॉरगेट, चाहे जितने थोड़े टाइम के लिए आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपका स्टेजिंग साइट, जो आपका टेस्टिंग सर्वर है, इसको पूरी तरह से नो इंडेक्स रखना है, रिस्ट्रिक्ट रखना है, नो क्रॉलेबल रखना है, मतलब क्रॉल ना कर पाए गूगल, इंडेक्स भी ना कर पाए। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें। वेबसाइट को अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन के जरिए आप लॉक कर देते हैं तो ना गूगल बॉट उसे विजिट कर पाएगा, ना क्रॉल कर पाएगा, ना इंडेक्स कर पाएगा। पता नहीं चलता है कब तकदीर खराब हो, और जिस टाइम पर आप ये सब टेस्टिंग वाली प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइम पर हो सकता है गूगल बॉट विजिट कर ले और आपकी साइट को इंडेक्स कर ले। इसीलिए यू डोंट वांट दैट, इसे पहले से ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है। नंबर 4, एक ऑफ साइट रिस्टोरिंग मैकेनिज्म होना जरूरी है। किसी भी वेबसाइट को जब किसी भी तरह का इंसिडेंट हो जाता है और उस वेबसाइट को आपको रिस्टोर करने की नौबत आ रही है, तो पता नहीं लगता है कब आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड भी ना काम कर रहा हो सकता है कि वेबसाइट की फाइल्स, मेन फाइल्स ही करप्ट हो चुकी हैं और अब आप डैशबोर्ड को ही नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड नहीं ओपन कर सकते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर करेंगे कैसे? राइट, मुर्गी नहीं आई है तो अंडा आएगा कैसे? इसीलिए हमेशा बैकअप और रिस्टोर के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चूज करें जो कंप्लीटली इन आपकी वेबसाइट से अलग हटकर काम कर सकता है। इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड ब्लॉग वर्ल्ड। ब्लॉग वर्ल्ड एक ऐसा बैकअप और रिस्टोर का मैकेनिज्म है जो आपकी वेबसाइट के साथ में पहली बार कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आपकी वेबसाइट के जो बैकअप लेना है वो भी अपने क्लाउड सर्वर पर लेते हैं, उस बैकअप को जो चेक करना है, उसकी उसकी जो इंटेग्रिटी को चेक करना है वो भी वो अपने आप ही करते हैं। और जब भी आपकी वेबसाइट को रिस्टोर करना होता है तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की जरूरत नहीं होती है, आप ब्लॉग वर्ल्ड के ही डैशबोर्ड में जाते हैं और वहीं से रिस्टोर कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ब्लॉग वर्ल्ड के साथ में, कि आप कितने बैकअप ले सकते हैं। यस, ये पेड है, थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन जो दिमाग की शांति मिलती है और आपकी वेबसाइट की एंटायर, आपके बिजनेस की एंटायर कॉस्ट के कंपैरिजन में ये जो ब्लॉग वर्ल्ड की कॉस्ट है कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। एक बार सेट करो, इंक्रीमेंटल बैकअप डेली लेते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे जितनी बार रिस्टोर करो। सो मेक श्योर कि आप हमेशा एक बैकअप और रिस्टोर वाला प्लगइन यूज करें जो वर्डप्रेस से अलग हटकर भी आपकी मदद कर पाए, वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वरना वर्डप्रेस जाएगी तो आपकी वेबसाइट पूरी चली जाएगी। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बैकअप और रिस्टोरेशन के बीच में जो डेटा लॉस हुआ है उसको चेक करना है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट बैकअप हुआ था उसके और रिस्टोरेशन के बीच में जो कंटेंट पब्लिश किया गया था वो मिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वे बैक टूल टाइप का कोई टूल यूज करना है जिससे आप अपने लेटेस्ट कॉन्टेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, उसे वहां से कॉपी कर पाए, और कॉपी करने के बाद इमीडिएटली तुरंत ही अपनी वेबसाइट के नए वर्जन पर उसे पब्लिश कर पाए। वेबैक मशीन को यूज करना बहुत आसान है, एकदम फ्री है। आप अभी जाकर वेबैक मशीन का यूआरएल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर जाकर अपनी वेबसाइट को चेक करें। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी नहीं है तो उसे सबमिट कर दें ताकि वेबैक मशीन आपकी वेबसाइट के बैकअप लेना शुरू कर दे। दिस इज अ फ्री सर्विस, मतलब SEOs के लिए, वेबसाइट ओनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए वेबैक मशीन से ज्यादा यूजफुल चीज कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 6, वेबसाइट को रिस्टोर करने से पहले PHP और डेटाबेस के वर्जन को चेक करें। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का जो पुराना वर्जन था वो PHP के पुराने वर्जन पर ही काम कर रहा था और ये जो नया वर्जन आप डालने जा रहे हैं ये अपडेटेड वर्जन पर जाए। ऐसी सिचुएशन में प्लगइन्स और जो टूल्स हैं वो कई बार आपस में सही से काम नहीं करते हैं, कंपैटिबल नहीं होते हैं, और ये वेबसाइट के रिस्टोर होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लुक खराब कर सकते हैं, फंक्शन खराब कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा PHP वर्जन को चेक कर लें। जो पहले वेबसाइट पर काम कर रहा था वही एग्जैक्टली अभी भी काम करना चाहिए। कोई भी बैकअप या रिस्टोर प्लगइन आपके PHP वर्जन को चेंज नहीं करता, ये आपकी सर्वर सेटिंग्स में होता है, आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने इंस्टॉलेशन के एनवायरनमेंट को चेक करो। अगर आपकी वेबसाइट पहले www पर चल रही थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नया वाला इंस्टॉलेशन है वो नॉन www है। ये बहुत ही सिली सी चीज लग रही है लेकिन बहुत छोटी और बहुत आसानी से मिस हो जाती है। तो हमेशा चेक कर लें कि आपकी वेबसाइट पहले जिस तरह के URL स्ट्रक्चर पर चल रही थी, नया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसी तरह के स्ट्रक्चर पर। पॉइंट नंबर 8, आपको अपनी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द साइट फाइल्स चेक करनी है। फॉर एग्जांपल robots.txt, htaccess और sitemap। इन तीनों फाइल्स का आपकी वेबसाइट के टोटल स्ट्रक्चर के साथ में लेना देना है, लेकिन फिर भी कई बार ये बैकअप वगैरह से बाहर रह जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का बैकअप किस तरह का प्लगइन या टूल ले रहा है, किस तरीके से आप ले रहे हैं, लेकिन अगर robots.txt, sitemap और htaccess फाइल पुरानी वाली साइट से अलग है, उस बैकअप में अंदर नहीं आ पाई है, तो आपकी वेबसाइट के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप बैकअप लेते हैं तो मेक श्योर कि आप ब्लॉग वर्ल्ड जैसा कोई सोल्यूशन यूज करें जो htaccess, robots.txt और साइट में तीनों फाइल्स का बैकअप ले लेता है।
लेकिन अगर आप मैनुअली करें तो भी मेक श्योर कि आपकी ये तीनों फाइल्स जो है वो सही है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपकी वेबसाइट का जो पुराना वर्जन था उसमें htaccess या robots.txt क्या थी, तो आप दोनों को डिलीट कर दें, राइट, पुराने वाले ना यूज करें या करप्ट ना यूज करें, दोनों को डिलीट कर दें, वेबसाइट अपने आप बना लेगी htaccess फाइल को। robots.txt आप सिंपल कुछ भी नहीं रखते हैं तो भी काम चलता रहेगा, और साइट मैप आपकी वेबसाइट का जो प्लगइन है वो अपने आप बना लेगा। सो इन एनी केस पुरानी फाइल्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी करप्ट फाइल ना यूज करें, हटा दें, अपने आप बन जाएगा। पॉइंट नंबर 9, वेबसाइट को लाइव करने से पहले कैश और CDN रूल को क्लियर कर लें। CDN अगर आप कोई यूज कर रहे हैं तो वहां का कैश क्लियर कर लें, लोकल कैश क्लियर कर लें। अगर आपका कैश प्लगइन नहीं काम कर रहा है तो कैश प्लगइन की जितनी भी फोल्डर्स है ना ये सब डिलीट कर दो। डिलीट कर दोगे तो कोई पुराना कैश नहीं होगा, नया कैश बनेगा, वेबसाइट सही चलेगी। पॉइंट नंबर 10 है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, यानी कि आपने वेबसाइट अभी रिस्टोर की है, हो सकता है कोई फंक्शन ब्रेक कर रहा हो सकता है कोई भी जो लुक है वो कहीं फट रहा हो किसी ब्राउजर पे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ब्राउजर हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट के यूज करने वाले ब्राउजर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोम है, एज है, सफारी है, इन सभी पर जाकर, फायरफॉक्स है, इन सभी पर जाकर अपनी वेबसाइट को चेक करें, मेक श्योर कि सब कुछ सही चल रहा है। कई बार रिस्टोर करते वक्त कोई एक फाइल भी अगर हल्की सी करप्ट हो जाती है तो उस सिनेरियो में आपकी वेबसाइट सही परफॉर्म नहीं करेगी। आपको पता कब लगेगा, जब गूगल एनालिटिक्स पर ट्रैफिक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई देगा, एंड यू डोंट वांट दैट। यू वांट कि आपकी वेबसाइट जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी वैसे ही परफॉर्म करे। ये रिस्टोरेशन वाला सरदर्द ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रखा है, इसके बाद अगर ट्रैफिक भी डाउन जाएगा तो बिजनेस को नुकसान होगा, इसीलिए क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 11, चेक कैनोनिकल hreflang एंड स्कीमा डेटा। आपने वेबसाइट रीस्टोर की है, ये जो जितना भी डेटा होता है ये वेबसाइट में वैसे तो नॉर्मली हेडर सेक्शन में ऑटोमेटिकली सेव होता है, ऑलरेडी एचटीएमएल का पार्ट है, लेकिन फिर भी जस्ट मेक श्योर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुराना वर्जन चल रहा हो और जो अभी वेबसाइट के नए वर्जन के साथ में कंपेटेबल नहीं है। सो तीनों चीजों को, कैनोनिकल, hreflang और स्कीमा डेटा, इन सभी को एक बार नई वेबसाइट के रिस्टोर होने के बाद वापस जरूर चेक कर लें। ये जो जितने भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ, अगर इनके बारे में कहीं भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल कैनोनिकल, hreflang, स्कीमा डेटा, htaccess, robots.txt या साइट मैप, इन सभी फाइल्स के ऊपर, इन सभी टूल्स के ऊपर हमारे वीडियोस हैं, चैनल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, या नॉर्मली यूट्यूब पर सर्च करें और सर्च करने के बाद अमित तिवारी साथ में अपेंड कर दें, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। पॉइंट नंबर 12, DNS रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, TXT और CNAME रिकॉर्ड को चेक करके वेरीफाई करना। अगर आप सर्वर चेंज कर रहे हैं, कई सारे सिनेरियो में सर्वर चेंज करना पड़ जाता है रिस्टोरेशन के टाइम पर, मेक श्योर कि आप cPanel के जोन एडिटर में जाएं, वहां से सारे DNS रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट करें और नए सर्वर पर इंपोर्ट करें, ताकि आपकी वेबसाइट के सारे फंक्शन सही से काम करते रहे। ऐसा ना हो कि कोई सब डोमेन नहीं काम कर रहा है, कोई ईमेल सर्वर काम नहीं कर रहा है, जी सुइट अकाउंट से आपका कनेक्शन हट चुका है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 13, वेरीफाई करें कि आपकी वेबसाइट के सारे फॉर्म और फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो रीडायरेक्शन होते थे वो सही काम कर रहे हो। बड़ी वेबसाइट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग कैंपेन्स में, मार्केटिंग कैंपेन में, एड कैंपेन में चल रहे होते हैं, जो फॉर्म अचानक से ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि ईमेलिंग वाला स्ट्रक्चर ना ये थोड़ा सा ज्यादा फिनिकी होता है, वो अगर कहीं कोई फॉर्म ब्रेक हो गया है, फॉर्म सबमिट होने के बाद सही जगह पर लीड सबमिट नहीं हो रही है, या मे बी जोहो वगैरह के साथ में कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, या फिर फॉर्म के सबमिट होने के बाद डिटेल तो जा रही है लेकिन वो दूसरे थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड्स अकाउंट में वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए फॉर्म को वेरीफाई करना है, फॉर्म सबमिट हो रहे नहीं हो रहे हैं, और फॉर्म्स के सबमिट होने के बाद रीडायरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, थैंक यू पेज पर सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट के बैकअप और रीस्टोर के पहले बाद में ये सारे के सारे 13 स्टेप्स का ध्यान रखते हैं तो आपकी वेबसाइट सही परफॉर्म करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, जिसके बारे में हम डिटेल डेप्थ इन डाइव लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।